उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में सरकारी कर्मचारियों खासतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग यानी प्राइमरी के मास्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं वहां ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। टीचरों के एक संगठन ने तो हैरान करने वाला दावा किया। इसके मुताबिक इस पंचायत चुनाव के दौरान 135 से ज्यादा अध्यापकों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी अधिकारी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी टीचर की मौत कोविड-19 संक्रमण से नहीं हुई। अब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ललन टॉप ने जानने की कोशिश की कि सत्य क्या है और अभी टीचर्स की हालत क्या है। कई टीचर्स से बात की, उन्होंने क्या बताया। यूपी के बुलंदशहर में रहने वाले एक टीचर ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि मैं आज मंडी में हूँ, जिले की मंडी, जहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं, भारी भीड़, गर्मी, मास्क में पसीना आ रहा है तो लोग मास्क हटाने पर मजबूर हो रहे हैं। काफी लोगों की तबीयत भी खराब है। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, जबरन यहाँ बुलाया गया, ड्यूटी लगाई गई, अब वोटिंग करानी है, मुझे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। यूपी के जालौन में रहने वाले एक टीचर ने अगेन नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ट्रेनिंग से लेकर चुनाव संपन्न होने तक बेसिक शिक्षा विभाग के टीचरों ने तमाम काम किए। उनके मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। जो लोग वोट डालने आए उनमें से करीब 35-40% खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे, छींक रहे थे या खांस रहे थे, और इन सब के बावजूद टीचर ड्यूटी कर रहे थे। इस चुनाव को अगर 6 महीने के लिए टाल दिया जाता तो अच्छा रहता, इसके बजाय हमें अगर कोविड पीड़ितों की मदद में लगाया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चुनाव को प्राथमिकता दी गई। यह भी बताया गया कि इन चुनाव में वोट डालने के लिए लोग शहरों से भी आए, बाहर से आए लोगों के साथ गांव में भी कोरोना पहुंचा। गांव में टेस्टिंग नहीं, कोई एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा, लोग इसको लेकर गंभीर भी नहीं है। अगर चुनाव टाल दिए जाते तो देश में संवैधानिक संकट तो खड़ा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराने के इस फैसले के चलते यूपी में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। इसके बाद ललन टॉप की बात हुई बहराइच के एक टीचर से, उनकी ड्यूटी भी चुनाव में लगी थी। उन्होंने बिना नाम बताए, मतलब नाम हमें बताया, पर कहा कि आप पब्लिक मत करिएगा क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही इन सबके नाम पब्लिक होंगे विसिल ब्लोअर्स का हमारे समाज में क्या हाल होता है। इन टीचर ने बताया कि जिस जगह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया वहां बुरी स्थिति है। टीचर्स को ट्रकों या दूसरे वाहनों से पोलिंग सेंटरों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसको देखकर लगता नहीं कि उन्हें सैनिटाइज भी किया गया होगा। उन्होंने कहा कि जहां से हमें ड्यूटी ऑर्डर मिल रहे हैं वहां तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, न टेम्परेचर चेक, न सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे भी ट्रक से जाना है, वहां भीड़ है, 135 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन कितने लोग संक्रमित हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। बूथ की स्थिति भी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चलेगा कि इसके चलते कोरोना कितना फैला। महिला टीचरों की ड्यूटी ज्यादा दूर नहीं लगाने की बात थी, लेकिन उन्हें भी 70-80 किलोमीटर दूर तैनाती दी जा रही है। इसके बाद हमने बात की बलिया की एक महिला टीचर से। अधिकारियों की नाराजगी और नौकरी पर संकट के चलते उन्होंने भी नाम नहीं बताया, लेकिन अपना बयान जरूर दर्ज करवाया। कहा कि इतनी भीड़ है कि डर लग रहा है, डबल मास्क पहनकर गए थे, मैंने उस पर दुपट्टा भी बांधा था। रवानगी स्थल से सेंटर तक जाना कम कठिन काम नहीं, वो भी ऐसे वक्त में। एक सैनिटाइजर के अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया, फेस शील्ड या मास्क नहीं मिला। हमें लोगों के सीधे संपर्क में आना होता है, कई बार अंगूठा लगवाना होता है। लोकतंत्र की सेवा से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार को भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव की इस प्रक्रिया में सिर्फ टीचर शामिल हैं, दूसरे सरकारी विभागों के लोग भी इसका हिस्सा हैं। अलीगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उनकी माँ टैक्स GST विभाग में काम करती हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई। उनका कहना है कि मेरी माँ को माइल्ड अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, वो अपने साथ इनहेलर रखती हैं। आज यहाँ पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं, हालात डरावने वाले हैं, भारी भीड़, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोगों के मास्क नाक से नीचे या कान पर लटके हैं। ऐसी भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा, मैं माँ को लेकर चिंतित हूँ। और अब बात उस खबर की जिसे लेकर पूरे यूपी में हंगामा है। हिंदी अखबार अमर उजाला ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के दावे के आधार पर खबर छापी, बताया कि पंचायत चुनाव के चलते 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशकों की मौत हो चुकी है। तो हमने इस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता से बात की, उनका क्या कहना था इस दावे के बारे में। उनके मुताबिक 135 तो वो नंबर है जो अभी तक पता चल गया। मैं खुद गोंडा में टीचर हूँ, आप पूरे प्रदेश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से पता करवा लें। चुनाव की ट्रेनिंग के दौरान लोगों को जमा किया गया, एक कमरे में 100-100 लोग, एक को भी अगर कोरोना था तो क्या वो नहीं फैला होगा। रवानगी के दौरान का आलम देख लें, पता कर लें, कोई प्रोटोकॉल पालित नहीं हो रहा है। इसके बाद वोटिंग में आम जनता से सीधा संपर्क, टीचर संक्रमित हो रहे हैं। हमारे संगठन की 4 मांगे हैं। पहली, पंचायत चुनाव को रोका जाए। दूसरा, बीमारों के इलाज की व्यवस्था की जाए।
तीसरा मृतकों के परिवार को 50-50 लाख की मदद और एक शख्स को अनुकंपा नौकरी। मैंने यही बयान दिया था जिस पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया। क्या बोला हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। इसके मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि 2020 के आखिर में जब वायरस कमजोर हुआ तब सरकार पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त हो गई। अगर उसने लगातार संक्रमण रोकने पर काम किया होता तो सरकार दूसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार होती, लेकिन सरकार के जो कारिंदे थे जिले में वो पंचायत चुनाव पर फोकस किए हुए थे। अगर हम अब भी लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम को नजरअंदाज करेंगे, मरने के लिए छोड़ देंगे, तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेंगी। आयोग को हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 मई को इस पर अगली सुनवाई होगी। आयोग ने कहा कि 27 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, क्योंकि इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष भी जानना चाहिए। सरकार का पक्ष जानने के लिए ललन टॉप ने यूपी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए नंबरों पर कॉल किया। बताया गया कि इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार ऑफिस में नहीं है। उनका मोबाइल नंबर मिला, कई बार कॉल किया लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। जब उनका पक्ष आएगा तो वो भी ललन टॉप पर बताया जाएगा। वैसे चुनाव आयोग के ऑफिस से यह भी पता चला कि एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वेद प्रकाश वर्मा और सचिव जय प्रकाश सिंह दोनों कोविड पॉजिटिव हैं। इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार के पीएस ने इस मामले पर सूचना विभाग के अधिकारी दिवाकर खरे से बात करने को कहा। दिवाकर खरे ने हमें क्या बताया? जिस खबर की आप बात कर रहे हैं उसमें उन जिलों के नाम है जहां चुनाव 29 अप्रैल को होने हैं। जिलों से जो भी रिपोर्ट आ रही है रोजाना कमिश्नर साहब जिलाधिकारियों से बात करते हैं। उस खबर में जिन जिलों के नाम है वहां अभी चुनाव नहीं हुए। जब पोलिंग पार्टी नहीं गई तो आदमी कैसे एक्सपायर हो गए? चुनाव आयोग की ओर से निर्देश है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए, मौखिक भी लिखित भी, और रिपोर्ट भी यही है कि इनका पालन करवाया जा रहा है। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, जो खबरें हैं उनमें दम नहीं। आप कह रहे हैं अव्यवस्था, कोई अव्यवस्था है ही नहीं। जब अधिकारी बता रहा है कि कोई अव्यवस्था नहीं है तो आप कह रहे हैं जहां आपको अव्यवस्था दिखती है वहां के अधिकारी से आप बात करें। सरकार कह रही है अव्यवस्था नहीं है, तो इन तस्वीरों का क्या, इन टीचरों के बयानों का क्या? अपने आसपास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और समर्थक तस्वीरें डाल रहे हैं। उन तस्वीरों में कितने गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, वोटिंग के दौरान किस तरह गाइडलाइंस का पालन हुआ, आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर से इस बयान को सुनिएगा, गौर करिएगा, क्योंकि रपटें अलग अलग जगह से आ रही हैं कि टीचर्स के अलावा चुनाव ड्यूटी में लगे जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। कई मीडिया रपटों में दावा कि चुनावी ड्यूटी के चलते सुरक्षा कर्मचारियों को या दूसरे कर्मचारियों को कोविड हुआ, लेकिन सरकारी अधिकारी कह रहे हैं रपटें गलत हैं। जो भी रपटें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, आप भी अपने स्तर पर सही गलत खंडन और मंडन करते रहेंगे।